जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक लिए जहाँ पर आए हुए हैं। और आज जो वे जवान हैं वो सांप नहीं है और ना ही कोई चंदन गोरा है। ये जहाँ पर एक वे जवान है जो कि बंदर है काले मुंह का, इसका किसी ने हाथ बांध दिया है तो काफ़ी तकलीफ में है। और इंसान अगर ऐसा काम करते हैं तो काफ़ी घिनौना काम करते हैं, किसी जानवर के लिए इतना तकलीफ दे देते हैं, उनके हाथ बांध दिया है, इसके कारण उसका खून जाम हो गया और दर्द की शिकस्त जहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों से मैं कहता हूँ कि इस तरीके के काम बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके के बेजवानों को बिल्कुल न सताएं। आप देख सकते हो किस प्रकार का ये जहाँ पर बेचारा बैठा हुआ है, इसका हाथ खोलना है और जहाँ से इसको निकालना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है रेस्क्यू टीम 24 घंटे उपलब्ध रहती है रेस्क्यू के लिए, चाहे फिर वो कुछ भी हो, सांप से लेके कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी जानवरों में कोई सा भी रेस्क्यू हो, हमारी रेस्क्यू टीम तैयार रहती है। जैसे ही फिलहाल छोटे बाजार में प्रियांशु जैन ने हमको कॉल किया और हमारी रेस्क्यू टीम तुरंत ही उनके पास पहुंची। उन्होंने बताया कि छत पर एक बंदर है जो कि सुबह से बैठा हुआ है और उसके हाथ में लग रहा है कहीं चोट वगैरह लगी हुई है। उसको खाना वगैरह भी डाला उन लोगों ने बट उसने खाया नहीं, तो पानी रखा उन्होंने, पानी पी लिया। उसके बाद इन्होंने पास से देखा तो इसके हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। तो जैसे ही हम पहुँचे आप देख सकते हो काफ़ी गहरा घाव है, तो चलिए हम इसको फटाफट से रस्सी निकालते हैं और आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। कैची लेके नहीं, छड़ी वगैरह हो, कैची वगैरह हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जैसे तैसे इसको हमने एक कपड़े से ढक के जिससे ये वाइट ना करे, हम लोगों को काटे ना, क्योंकि अगर काट लेगा तो इसके होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं, जहर वगैरह तो होता नहीं है बट इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे और हमारा इलाज बहुत जल्दी हमको इलाज करवाने जाना पड़ता है। इसलिए हमने अपनी सेफ्टी को लेते हुए और इसके हाथ में जो आप देख सकते हो सामने, इसका हाथ बिल्कुल कट चुका है, मतलब जो मांस होता है वो बिल्कुल जा चुका है। हड्डी के ऊपर ये जो रस्सी है जो हड्डी के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि इस काफ़ी दिनों से, महीने भर भी हो सकता है, दो महीने तीन महीने से बंद है, काफ़ी कीड़े पड़ चुके थे जो कि इसको कितनी तकलीफ़ दे रहा होगा भाई, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो जैसे तैसे हमने इसके कीड़े हटाए, उसके बाद आप आगे देखिएगा, क्योंकि तो जैसे तैसे दोस्तों हमने उसके घाव को साफ करके उसमें मलहम पट्टी कर दिया और अब भी इसको हम रिलीज करेंगे यानी छोड़ेंगे तो काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ेगा इसे, और इसकी पट्टी भी बदलने में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट पार्ट टाइम इसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको अपने घर पर रखा और 3 से 4 दिन, 4-5 दिन जितने दिन भी इसका इलाज चला, तो उसने उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे घर पर ले जाके, उसके बाद फिर इसे इसके बाद पर्यावरण में रिलीज कर देंगे। जो कि ये बेजुबान है, किसी से हेल्प नहीं मांग सकता, बट आप देख सकते हो हमने इसको पट्टी की तो उसने बिल्कुल भी हमको नुकसान नहीं पहुँचाया, बिल्कुल शांतिपूर्वक एक जगह ऐसे रखा रहा जैसे कोई छोटा बच्चा हो। तो आप देख सकते हो भाई, कहीं पे भी आपको ऐसे जानवर दिखते हैं तो भाई नुकसान ना पहुंचाएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।